हेलो दोस्तों, मॉम एंड सिस किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल तड़का की रेसिपी। आज हम दाल तड़का बनाएंगे, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। फ्रेंड्स, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उस प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए हम दाल बनाते हैं और उसको खाते भी हैं। लेकिन रोज़ रोज़ उसी तरीके की दाल खाकर बोर हो जाते हैं, तो इसके लिए आज हम एक अलग अंदाज से ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाएंगे, जो कि खाने में स्वादिष्ट भी होगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और सभी लोग इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, दाल तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने एक कप अरहर की दाल ली है, उसके साथ ही हमने 1/4 कप मूंग की धुली हुई दाल ली है। आप चाहें तो पूरी अरहर की दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे टेक्सचर थोड़ा अच्छा आ जाता है। हमने दाल को अच्छे से धो लिया है 2-3 बार। अब हम इसको पानी में भिगोने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। अगर समय कम है तो आप 10-15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। अब हम कुकर में दाल को पलट लेंगे। इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और ढक्कन लगा के 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। अगर आप घुटी हुई दाल खाना चाहते हैं तो आप मीडियम गैस पर 1 सीटी और लगा लें। अब ये हमने एक प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, एक मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट लिया है, एक हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसको भी काट लिया है। अब हम दाल खोल के देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारी पक गई है। हमने इस तरीके से दाल को थोड़ा सा दाना खड़ा रखा है। आप चाहें तो इसको और भी पका के थोड़ा मैशी कर सकते हैं। अब हम तड़का तैयार कर लेंगे। हमने ये 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है, तड़का हम देसी घी में ही बनाएंगे। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, 3-4 साबुत सूखी मिर्च, इनको हल्का सा चला देंगे। मिर्च भून गई है और जीरा भी चटक गया है। अब हम इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को हम भून लेंगे पहले। फ्रेंड्स, इसको हल्की आंच पर ही भूनें, तेज आंच पर भूनेंगे तो प्याज जल जाएगी और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मीडियम आंच पर ही इसको हम भूनेंगे। प्याज भून गई है, अब हम इसमें अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे, इनको भी हम एक बार चला लेंगे अच्छे से। मिर्च, अदरक और प्याज अच्छे से भुन गए हैं। अब इस स्टेज पर हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हम थोड़ा सा चला देंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे जिससे टमाटर गल जाए अच्छे से।
और इसको ढककर पकने देंगे। फ्रेंड्स, नमक का ध्यान रखना है क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है, तो उसी हिसाब से डालना है। अब टमाटर हल्के से गल गए हैं, अब इसको एक बार और अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर ये सब 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच धनिया, धनिया पत्ते, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम इसी समय पर डाल देंगे और इनको गैस स्लो करके हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए मसाला एकदम बनकर तैयार हो गया है और कितना बढ़िया लग रहा है ये। अब इसमें हम दाल डाल देंगे, दाल को अच्छे से चला देंगे ताकि मसाला इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए सिंपल सी दाल कितनी बढ़िया लग रही है। अब इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हम पानी डाल देंगे। आप अगर दाल ज़्यादा पतली खाते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर दें। हमने इसमें 1/2 कप ही पानी डाला है। अब इसको ढककर थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम एक दूसरा तड़का तैयार कर लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच देसी घी लेंगे एक पैन में। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम हींग डाल देंगे। वन टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा चटकने लग गया है, ये देखिए। अब इसमें हम मिर्च डाल देंगे साबुत और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। फ्रेंड्स, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आ जाता है और तीखा भी नहीं होता ज़्यादा। अब ये दाल हमारी पककर तैयार हो गई है। इसको हमने एक उबाल आने तक और पका लिया था ढककर। अब इसमें हम 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डाल के इसको एक बार थोड़ा सा चला देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए कितनी बढ़िया दाल बनकर तैयार हुई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और जो तड़का हमने बनाया था उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये तड़का हम सर्व करते समय भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये हमारी ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनकर तैयार हो गई। इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पसंद करते हैं तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें। लीजिए फ्रेंड्स, दाल तड़का बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर तैयार हो गया है। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अगर आपको आज की दाल तड़का की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।